चाय पीना बनता है भाई। चलो चाय पीते हैं। कॉफी पीने के बाद चलो अब चलते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं और फ्लाइट पकड़ के मदुराई चलते हैं। अरे हाँ यार, मैंने तो ड्राइवर को फ़ोन करना ही भूल गया यार। इनोवा तो चाहिए होगी ना रामेश्वरम जाने के लिए। चलो उसको पहले एक बार फ़ोन मिला लेते हैं। हेलो। हाँ भैया, किधर हो? मैं अमित बोल रहा हूँ। हमने इनोवा बुक करी थी मदुराई से रामेश्वरम और वापस छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पे। इस समय हम मदुराई में हैं। कल हम लोग गए थे मीनाक्षी टेंपल। अगर आप मदुराई हो तो 100% आप मीनाक्षी टेंपल जाओगे ही जाओगे। मीनाक्षी टेंपल में हमको अलाउ नहीं किया गया था कैमरा को, इसलिए हमने कुछ वीडियो ज़्यादा कैप्चर कर नहीं पाए और रात भी हो गई थी। कल हम लोग निदर्शन करने के बाद आज हम लोग आए हैं यहाँ पर तिरुमलाई महल में। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इट्स अ फोर्ट टाइप का है जहाँ पर हमारे राजा महाराजा लोग पहले रहते थे। तो एक ग्लिम्स आपको दिखा देते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली आर्किटेक्टेड है। वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन। वैसे ये एक लुक ऐसा दे रहा है जैसे कि कोई राजा का दरबार था। यहाँ लोग जो थे वो सब यहाँ प्रजा लोग यहाँ पर बैठे रहते होंगे और राजा जो है सामने बैठ के अपनी सेना मतलब अपने लोगों के साथ न्याय करते होंगे। कुछ ऐसा ही फील आता है यहाँ पर। ये है अभी यहाँ का, और अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे रामेश्वरम। और रामेश्वरम कुछ 3-3.5 घंटे का सफ़र है। क्विकली अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि रामेश्वरम दूर है और हमें हमारा जो एंड डेस्टिनेशन है वो रामेश्वरम है। यहाँ पर अभी मुझे एक चीज़ और पता लगी है कि बेसिक यहाँ पर जो है ना लाइव शो भी होता है, वो भी करीबन शाम के समय जब भी बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तो यहाँ पर लाइव शो होता है। और क्योंकि अभी हम लोग मॉर्निंग में आए हैं तो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, बट होप वो ऐसा बता रहे हैं लोग कि आप नाइट में आओ, शाम को आओ तो नाइट शो होता है। अभी हम लोग समय मरियम टैंक में आए हैं। टैंक बेसिकली कहा जाता है ऐसा वर्ड, मगर बेसिकली ये तालाब है। और आप भी एक व्यू देखो मदुराई में, काफ़ी ब्यूटीफुल है, पूरा पानी भरा हुआ है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। सबसे बड़ी बात सिटी के अंदर इतना साफ, भाई मैं सरप्राइज हूँ बिकॉज आज तक जितने भी मैंने लेक्स देखे हैं सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा गंदे थे। इट्स अमेजिंग, ब्यूटीफुल, इट्स रियली ब्यूटीफुल। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं आगे चलते हैं।
और बीच में रास्ते भर में जो जो हमें पॉइंट्स मिलते जाएंगे वहाँ पर हमें ड्राइवर अलग अलग लोकेशंस हम लोगों को दिखाता जाएगा। वही ना, ये तो बस रामेश्वरम जो है ना वो आइलैंड है। तो हम लोग रामेश्वरम बेसिकली एक आइलैंड है और ये दिस इज़ द ब्रिज, रेलवे ट्रैक जो कनेक्ट करता है, जो ओशन के ऊपर बेसिकली सी के ऊपर जाता है। और ये इसके दो तरीके हैं, एक दिस इज़ द रोड एंड द अदर वन इज दिस पार्ट। तो ये दो टू वेज हैं आप रामेश्वरम को कनेक्ट कर सकते हो। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब आप ब्रिज पर खड़े इतनी ठंडी हवा आ रही है, मतलब आप समुद्र को देख सकते हो, पूरा ब्लू है, पानी बिल्कुल भी गंदा नहीं है, इतना साफ सुथरा पानी है, अमेजिंग प्लेस है। इधर कहाँ पर है, इधर भी समझ, इधर भी समझ, राइट, दैट्स व्हाट आई सेड। चलते हैं अब आगे रामेश्वरम मठ की ओर। तो गाइस दिस इज अ ब्रिज बेसिकली, जब भी किसी भी बोट को वन साइड इस क्रॉस करना होता है तो ये ब्रिज अपने आप ओपन हो जाता है और उसके बाद बोट एक कोने से जा रही है दूसरे कोने जाती है। ऑफ कोर्स जो आप भी वहाँ पर देख रहे हो एक छोटी सी बोट है, बट अभी वो उसके नीचे से क्रॉस हो जाएगी, बट जब बड़ी बोट आती है तो बेसिकली आपको ये ब्रिज ओपन करना पड़ता है।
गाइज अब हम लोग ऑलरेडी ब्रिज क्रॉस कर चुके हैं, ब्रिज ख़त्म हो चुका है और इस समय अब हम लोग रामेश्वरम में हैं। अब आगे चलते हैं।